हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉन इंडियन नेवी पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको तीन चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुका हूँ, अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो जाकर देखना, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप आज का ये आपका द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 mod x + 2 = 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे, आपको इसके वास्तविक मूल बताने हैं। तो देखो सर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके आगे आ जाए, आप कैसे करते हो, एक बार तो इसे ग्रेटर देन में तोड़ते हो, एक बार लेस देन में तोड़ते हो, उसके बाद दो समीकरण बनाते हो तब उसे सॉल्व करते हो। सर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी रखे हैं तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो सुनो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। एकांतर क्रम में यानी कि प्लस से माइनस एक बार चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस दो बार चिन्ह बदल गया, 2 के डबल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। नहीं समझ आया, मुझे पता है आपकी समझ नहीं आया, दोबारा सुनो, एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। तो प्लस था आगे, प्लस से माइनस हुआ, एक बार चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस दो बार चिन्ह बदल गया, 2 के डबल 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन रखें, अभी आपका डाउट हुआ सर यहाँ माइनस आ रहा है प्लस आए तो, यहाँ प्लस आ रहा है माइनस आए तो मैंने सभी प्लस के हों तो मैंने सभी क्वेश्चन आपके आगे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम कंसेप्ट पर भाई, ठीक है, जो चीज़ बताई है उसी कंसेप्ट पर है, एक भी तरह का क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस आ जाए, आपका डाउट हो सकता है सर अभी यहाँ प्लस था, अब यहाँ आ जाए माइनस आ जाए तो क्या होगा, सर तीनों प्लस प्लस आ जाए तो क्या होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को आराम से इन्जॉय किया करो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है सर, प्लस से प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, प्लस से प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, प्लस से माइनस चिन्ह बदला कितनी बार, एक बार, तो एक का डबल तो आप कर लोगे 2, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो थ्योरी बताई है उसी पर रहो बस, एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होगा उसके डबल मूल होते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपका मापांक वाले प्रश्नों पर लागू होगा, क्योंकि मापांक वाले प्रश्नों को ही तो आप दो तरीके से करते हो, एक बार लेस देन लेते हो, एक बार ग्रेटर देन लेते हो, तभी तो गड़बड़ हो जाती है आपकी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ देखते जाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, प्लस से प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, प्लस से फिर प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, टोटल कितनी बार चिन्ह बदला, 0 बार। अब सर 0 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको आज के बाद क्वेश्चन सूंघने हैं, देखने नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात, सूंघने हैं देखने नहीं है। तो देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन में आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि 4 की पावर x माइनस 6 × 2 की पावर x प्लस 8 = 0 हो तो एक्स के मान क्रमशः क्या है, आपको इनमें से x के मान बताने हैं। तो सर इस समीकरण के जो हमारे x का मान है वो इनमें से हमें बताना है, तो इनमें से अगर कोई x का मान होगा तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को या इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है, ऑप्शन उठाओ और पुट करो, जिससे भी हमारा ये समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाए वही आंसर हमारा सही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, यानी कि जो फर्स्ट है वो पर अपना क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अरे इसमें 2 आ रहा है, तो सर हमारी 1 की प्राथमिकता ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो सर रखो 1, जब आप 1 रखोगे तो 4 - 2 × 6 कितना, 12 + 8, तो देखो 8 और 4 = 12 + 12 - 12, आंसर 0, यानी कि सर हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक्स का मान 1 आ रहा है 1, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि इनमें से हमारा इनमें तीनों में से 1 आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या हो रहा है, दूसरा मान बोल रहा है आपका 2, तो जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 4 और 6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 + 8 = 0, देखो 8 और 16 24 - 24 यानी कि 0 आ रहा है हमारा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए हुआ वही हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि इस इन दोनों मानों से ये समीकरण जो है हमारा वो संतुष्ट हो रहा है प्रॉपरली, और किसी से भी संतुष्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण x + 1² - 1 = 0 का या के हैं, यानी कि आपको इनमें से बताना है का या के क्या है आपके, 1 वास्तविक मूल है, 2 वास्तविक मूल है, 2 अधिकल्पित मूल है या 4 वास्तविक मूल है, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, लेकिन सर अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो किस में
इसमें कुछ गलत बात हो जाएगी, नहीं होगी ना, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंडीशन क्या बनेगी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो करो सर, एक्स प्लस वन प्लस वन, एक क्वेश्चन में ये हो जाएगा और एक में क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। देखो इससे तो ये कट गया और ये दो गया, यानी कि एक्स प्लस टू और एक्स, ठीक है, बराबर जीरो। तो एक एक्स का मान आया यहाँ से जीरो और एक एक्स का मान कितना आएगा यहाँ से माइनस दो। तो सर कितने मूल हुए, दो। कितने मूल हुए, दो वास्तविक मूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एक्स रूप के एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है, वही लेवल है, डिट्टो लेवल मैंने आपका यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण वन अपॉन एक्स माइनस थ्री बराबर वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन टू की घात क्या है, आपको इसकी सिर्फ पावर बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री बराबर, देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा टू एक्स प्लस टू, सॉल्व करोगे कितना आएगा टू माइनस एक्स माइनस टू, सर इतना आएगा। लेकिन सर यहाँ देखो ये तुम्हारा कट गया वैसे, लेकिन सर एक बात मुझे दिख रही है, मुझे क्या दिख रही है कि सर जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, जब मैं इस एक्स से यहाँ गुणाऊँगा, गुणा कराऊँगा तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा। लेकिन सर मुझे पूरा सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ क्या पूछा, घात पूछी है, तो घात मुझे दो दिख रही है, इससे ज़्यादा हाइएस्ट तो इसमें होगी नहीं, क्योंकि इधर तो ये एक ही रहने वाली है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा है, यानी कि ये जो समीकरण है आपका इसके मूल क्या है आपके, अल्फा व बीटा है। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सर पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लो, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी, ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, तो सर इतना ही निकलेगा, क्योंकि एक से भाग देकर भी कुछ नहीं होने वाला है, तो माइनस का भी हो जाएगा, ठीक है। अगर गुणनफल की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का मान तो आपका एक है ही है, ठीक है। अब पूछ किसका मान रहा है, वो पूछ रहा है आपका अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, सर इतना लिख लोगे। अब सर इसका लासा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, तो सर अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस बीटा है, माइनस बी है ना, तो सर ऊपर आ गया आपका माइनस बी इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, देखो सी है, देखो इसकी वैल्यू थी हमारे पास ये और इसकी वैल्यू है हमारे पास सी, तो माइनस के बी अपॉन सी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है आपका, देखो ऑप्शन नंबर जो ए है, माइनस का बी अपॉन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, एक मोटिवेटिव, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल आपको तीन दिया हुआ है, ठीक है, मूलों का योगफल तीन है, गुणनफल दो है, तो वह निम्न में से कौन सा समीकरण है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण है। तो सर समीकरण बनाते कैसे हैं, आपका होता क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। तो सर इसमें वैल्यू रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना था सर, तीन था, तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, गुणनफल दो है तो बराबर जीरो। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपने जी तो कर लिया हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन बराबर जीरो के मूल, ठीक है, इसके मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे, भिन्न और वास्तविक हैं, तुल्य और वास्तविक है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, व्यव्यक्तिकर, ठीक है, यानी कि कैसे निकालते हैं उसे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है सर, ऐसे निकालते हैं। इक्वल जीरो का मतलब आपका तुल्य है, बराबर है, ठीक है, और अगर आपका वास्तविक है तो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे इसे कैसे करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि एट का स्क्वायर 64 माइनस फोर, ए की वैल्यू एक है इंटू सी की वैल्यू कितनी है 16 है, तो सर ये तो जीरो आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो सर मुझे क्या पता चला कि ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो को फॉलो कर रहा है, तो ये मूल हमारे कैसे होंगे, तुल्य और वास्तविक, यानी कि बराबर और वास्तविक आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आज बताना, आज मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप कमेंट में कमेंट करते हो कि आप सर आप ज़्यादा तेज बोल देते हो इसलिए समझ में नहीं आता है, तो आज बताओ, आज से बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो के मूलों का
अंतर क्या है, ठीक है, मूलों का अंतर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा सर पूछ रहा है आपसे। मूलों का अंतर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा आपके मूल होते हैं, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो सर आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका करो स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। आई होप कि आपको ये तरीका आता होगा, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल। कैसे निकालोगे मूलों का योगफल, सर यहाँ से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है, एक हमारा आपका 1 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है सर। 4 इसका तो 4, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल निकालो यहाँ से सी अपॉन ए, तो 9 आएगा आपका, 9 का गुणा आप 4 में करोगे तो 36 हो जाएगा। तो 100 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा आपका, सर 64 बचेगा। किसके बराबर आपका ये, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के। लेकिन सर हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा ओनली। तो जब मैं यहाँ से इस स्क्वायर को हटाऊंगा और इस पर ले जाऊंगा तो कितना निकलेगा, प्लस माइनस 8। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर माइनस 10 प्लस बीटा की पावर माइनस 10 किसके तुल्य है, इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो सर पहले आपको समीकरण ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकालो, ठीक है। तो अब योगफल निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस का 1 निकलेगा सर, लेकिन अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, तो 2 निकलेगा सर, इतना हो गया। अब देखो वैल्यू किसके पूछ रहा था, इसकी अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10, इतना हो जाएगा, क्योंकि आपका इनवर्स में आ रहा है, तो मैंने इसे पलट दिया, ठीक है। तो अब इसका ले लो एलसीएम, देखो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखो इसका एलसीएम आएगा आपका अल्फा बीटा की होल पावर 10, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपका इतना जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो मैंने होल चढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन इसका गुणा यहाँ होगा, तो बीटा की पावर 10 प्लस अल्फा की पावर 10, तो इससे ये तो कट गई सर, कट गई ना पूरी, और यह कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर जाएगी। तो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 2, तो 2 की पावर 10, क्योंकि इसकी पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1024। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, हर चैप्टर से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपको इनसे बात नहीं बनेगी, आपकी इस चीज़ से बात नहीं बनेगी, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है, तो आपको आपकी गलतियाँ ऑनलाइन प्रैक्टिस में ही पता चलेंगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। तो वहाँ आपको एयरफोर्स एक्स वाई के लिए, नेवी AA SSR MR के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और अब तो उन्होंने एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई के लिए 40-40 मॉक टेस्ट कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास उतने ही दिन हैं, उतने ही प्रैक्टिस सेट हैं, तो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर वो आपको जो टेस्ट है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन V50 यूज़ करना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सेप्टेम्बर महीने में, ठीक है। और इंडियन V40 यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑल टाइम के लिए, ठीक है। तो इतना मेरे कहने से करके देखो, आपको वहाँ पर आपकी रैंकिंग, आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर, सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलती है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में टेस्ट होता है, और हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ही आपका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है, ठीक है, वास्तविक एवं असमान है, तब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो सर क्या निकालो, B² - 4AC निकालो। तो सर B² यानी कि कितना हो जाएगा, 5² - 25 - 4, A का मान कितना है, 3 है, C का मान कितना है, P है, > 0, ठीक है सर, इतना हो जाएगा। अब देखो 25 - 4 = 12, P > 0। अब देखो सर P कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव साइड आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस सर्वसमीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12P तो प्लस का हो गया और आपका ये माइनस का हो गया, ठीक है सर। लेकिन जो सर्वसमीकरण है वो आपकी पलट जाएगी माइनस से गुणा करने पर, ये आपका ग्रेटर देन था, अब ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसे आप उधर ले जाओगे तो 12P < 25 यानी कि P < 25/12 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, P < ऑप्शन नंबर जो बी है, P < 25/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया।
माइनस से जब हम किसी समका में गुणा कर देते हैं तो वो पलट जाती है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस के 143 बराबर जीरो के मूलों के वर्गों का योग। ठीक है, मूलों के वर्गों का योग यानी कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो सर आप इसे कैसे निकाल सकते हो? सर हम इसे निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का तो होल स्क्वायर कर लो, माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा कर लो। सर इतने से निकाल लेंगे, तो सर निकालो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। सर मूलों का योगफल आपका क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यानी कि माइनस का टू अपॉन ए का मान तो हो गया, यानी कि योगफल कितना निकला, माइनस के दो। माइनस के दो का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो माइनस टू इंटू अल्फा बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल आपका सी अपॉन ए, तो सी आपका कितना आएगा, माइनस के 143 अपॉन 1, तो माइनस के 143 क्या आएगा आपका, ये गुणनफल आएगा। तो सर रखो यहाँ पर माइनस के 143, जब आपको माइनस से गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दो से और मल्टीप्लाई करोगे 143 में तो आएगा 286, यानी कि 4 प्लस के 286, इसे जोड़ोगे तो 290 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर आएगा कि मूलों के वर्गों का योगफल आपका 290 आएगा इस समीकरण का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 8 प्लस के 2 अंडर रूट 8 प्लस के 2 अंडर रूट 8 प्लस के 8, आपका डॉट 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 चलता चला जा रहा है, पूछ रहा है का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सर अगर मैं इसे x के बराबर मान लूँ, अगर मैं इसे x के बराबर मान लूँ और फिर x बराबर लिखूँ मैं इसमें अंडर रूट 8। ठीक है, अब देखो प्लस का 2, अब देखो यहाँ दिख रहा, अब यहाँ से द्वारा फिर ये वही सीरीज रिपीट हो गई, ये किसके बराबर मानी थी, x के, तो मैं यहाँ पर सर आपका x लिख लेता हूँ। ठीक है सर, मैंने x लिख लिया, अब मैं दो बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 प्लस के 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस माइनस के 8 बराबर 0, इतना क्लियर है। अब देखो गुणा करके कितना आना है, 8 घटा के कितना लाना है, 2 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, चार दो ना 8 भी आ जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा। अब देखो जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 4, एक्स माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, यानी कि एक x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 4 और एक x निकलेगी माइनस 2। तो सर माइनस 2 का तो अस्तित्व तो होगा नहीं, कितने का अस्तित्व होगा, 4 का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस 2 क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि x की वैल्यू अंडर रूट में नेगेटिव का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है, इसका एक मूल जो है वो 3 है, तब k का मान क्या होगा। ठीक है सर, आपको पता होना चाहिए कि जो मूल होते हैं वो होते क्या हैं आपके, वो आपके x और y के मान होते हैं। ठीक है, तो सर जब x का मान आपको 1 3 दिया हुआ है तो ये 3 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो रख दो सर। जब आप यहाँ रखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 8 3 24 हो जाएगा, प्लस का k बराबर 0, k बराबर 15 आपको यहाँ से प्यार से मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण 2 √3 एक्स स्क्वायर माइनस 7 √4 √3 एक्स प्लस, ये जो चीज़ है वो आपकी यही लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ में लिख दिए, यहाँ आगे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिए 2 √3 इतना है। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपको कि मूलों का योगफल क्या हुआ, कि मूलों का योगफल सर निकालो, मूल योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 7 √4 √3 अपॉन कितना, बी अपॉन ए होता है, तो सर कितना है ये 2 √3 इतना हो गया। अब सर आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है इसमें, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये आपका 2 √3 का स्क्वायर है, तो 2 √3 का होल स्क्वायर अगर मैं ऊपर वाले को लिख लूँ, अपर 2 √3 हो जाएगा। अब सर डाउट आ रहा होगा, सर कैसे होता है ये, तो खोल के देख लो, ये मैं लिखा है ना, तो खोल के देखो इसे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 a² + b², तो √3 का वर्ग 3 माइनस 4 √3, देखो 4 और 3 7 माइनस 4 √3 आ गया ना, आ गया ना। तो क्या पता चला कि इसका ये स्क्वायर खोल के तो ये आ रहा था, तो मैंने इसको ये आपका ये ऐसे लिख लिया, तो देखो इससे पूरे से आपकी एक पावर कट गई, कितना बचेगा आपका 2 √3।
टू माइनस रूट थ्री आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से अच्छा था कि 7 - 4√3 को हम 2 - √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि समीकरणों x² + kx + 64 = 0 और x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक हों तब के का मान क्या है, तब आपको के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सर के का मान वास्तविक है तो b² - 4ac, तो इस समीकरण लगाओ पहले b² - 4ac, तो k² - 4 × c का मान कितना हो जाएगा 64 > 0, तो देखो कितना हो जाएगा 256, तो k² < 256, ये कितने का होता है अंडर रूट आपका, जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो इतना हो जाएगा और ये निकल आएगा आपका 16, कितना > 16, तो इस समीकरण से हमारा निकला इतना। अब सर हमारे पास एक और समीकरण है, इतना है b² - 4ac, इसमें लगाओ b² यानी कि कितना 64 - 4k > 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा k कैसा आ रहा है इसमें, नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस से गुणा करेंगे सर समीकरण कैसी होगी, पलट जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा आपका 4k > है तो < 64, यानी कि 4 से कितना 16 बार, तो k < 16। अब देखो सर इसमें k < 16, इसमें k > 16, सर इसमें बड़ा है और बराबर है 16 से, इसमें छोटा है और बराबर है, लेकिन बराबर है तो दोनों मिल रहा है ना, तो k = 16 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों में इसमें कह रहा है बराबर है और बड़ा है, इसमें कह रहा है छोटा है और बराबर है, लेकिन बराबर है दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 2x + 4 = 0 के मूल हों तो α³ + β³ के मान आपको बताना है। ठीक है, तो α³ + β³ यानी a³ + b³ का फॉर्मूला लगाना और इसे सॉल्व करना। आपके लिए अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो लगातार 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। 18 ये है, 19 और 20 आगे आने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों के आंसर आपको देने, तो चलते हैं नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि समीकरण x² - 5x + k = 15 के मूलों का गुणनफल -3 है तब के का मान बताओ। ठीक है, ऑप्शन आपके आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरणों x² - bx + 1 = 0 के वास्तविक मूल नहीं है, इसके मूल वास्तविक नहीं है ध्यान रखना, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिखे हुए आपके सामने दोनों क्वेश्चन है, 18, 19, 20 आपको इससे पहले था, 19 ये, 20 ये, तीनों के आंसर लिख कर देना, लाइन से देना कि कौन सा आपको सही लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ़ 1√ax² + bx + c = 0 इज एन, यानी कि कोई द्विघात समीकरण है आपका ये ax² + bx + c = 0, इस नाम का कोई द्विघात समीकरण है, इसका एक रूट आपका एन है, इसका जो एक मूल है आपका एक एन है, एन टाइम्स है। ठीक है, द अदर रूट इसका जो अगला मूल होगा वह क्या होगा, तो आपको उसमें से कंडीशन दी हुई है, इनमें से आपको कौन सी कंडीशन राइट है, ये वाली। आप इसे डायरेक्ट ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हो, जो भी ट्रिक है, जिस भी टीचर ने ट्रिक बताई है, कोई भी कहीं से बता रहा है आपको, सारी ट्रिकें आपकी मैथ से ही निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसे ट्रिक के रूप में दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि इसको ट्रिक कैसे कहते हैं। इसे आपको याद कैसे रखना है, nb² = n+1 2ac। ठीक है, अब देखो सर आपने एक क्या पढ़ा है, आपने गुणोत्तरी पढ़ी है, b² = ac होती है, तो सर वही तो है b² = ac, यहाँ पर n लग गया है, यहाँ पर n+1 लग गया है। ठीक है, तो nb² = n+1 2ac, ये आपका n गुणे का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका कंसेप्ट था ट्रिक का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a के किस मान के लिए समीकरण ax² + 3x + 5 = 0 के मूलों का अनुपात 3:2 है। मूल क्या होते हैं आपके, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा आपका 3/2 किस में है। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म लगाना है, आपको nb² = n+1 2ac। मैंने आपको ये तो बताया, अब जान n का मान डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो सर निकाल लो यहाँ से, अल्फा और आपसे निकलेगा 3/2 बीटा, अब तो अल्फा बीटा का 3/2 गुना हो गया, अब तो हो गया ना सर, तो ये आपका एन का मान हो गया कि कितने गुना है। ठीक है, एन का मान कितना हो गया 3/2, तो अब रखो एन यानी कि 3/2, बी का मान कितना आपका, देखो बी का मान है आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बराबर एन, तो 3/2 + 1 2 a का मान आपको निकालना है और सी का मान आपका कितना है 5 है। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 9 * 27 / 2 = कितना हो जाएगा 2 लाशा लेकर इसका 4 हो जाएगा और 4 3 25
इंटू ए इंटू फाइव इतना हो जाएगा सर। अब देखो दो से तो ये कट गया आपका, दो बार 27 दूनी 54 यानी कि 54, 54 अपॉन 25, 25 पंजे 125 बराबर ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। एक बार दोबारा और कर लेना, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपका फ्लुएंटली पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में। एन बी स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी, ये आपका कंसेप्ट है। और आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, अब अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात से हमने इसे एन गुना कर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका आपको मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एक कर्ड़ी दी हुई है, कर्ड़ी का मान आपको पूछ रहा है। तो देखो ऐसी कर्ड़ी को आप कैसे सॉल्व करते हो, जो आपको संख्या दी हुई है उसके आप क्रमागत क्या करो, क्रमागत गुणनखंड करो। 6 के क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, 2 × 3, 3 × 2 = 6 होता है, तो क्रमागत गुणनखंड हो गए। अब आपको देखना है यह निशान किसका आ रहा है, अगर यहाँ प्लस का निशान आ रहा है तो बड़ा वाला यानी कि 3 आंसर होगा, अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर माइनस निशान आता है तो छोटा वाला यानी कि 2 आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी कड़ी का क्वेश्चन आए क्रमागत गुणनखंड करो, अगर प्लस का चिन्ह आए तो बड़ा वाला उत्तर होता है, अगर माइनस का चिन्ह आए तो छोटा वाला उत्तर होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 आर कितने होंगे, इसके रूट क्या होंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका छोटा है, लेकिन ये आपका नेवी फरवरी में पूछा गया है, नेवी का जो एग्जाम हुआ था फरवरी में 2020, फेब 2020 में जो एग्जाम हुआ है, जिसका अभी PFT नहीं हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 = 0, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -9, ठीक है। अब -9 हो गया, अब सर यहाँ देखो आपकी -9 किसकी वैल्यू होती है, -1 किसकी वैल्यू होती है, ये क्या लिखा हुआ है आपका 9 × -1, इतना ही तो लिखा हुआ है। अब ये -1 होती है आपकी आइटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 9 × आइटा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 9 × आइटा स्क्वायर पर आपका अंडर चढ़ाऊंगा तो कितना निकलेगा, 3 आइटा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ई के -1 - 15 = 0 के मूल बराबर एवं विपरीत है, तो के का मान आपको बताना, ठीक है। देखो इस वर्ड पर ध्यान देना, बराबर एवं विपरीत, कभी भी आपको ये लिखा दिख जाए कि इसके मूल बराबर एवं विपरीत हैं तो आपको वही अवयव जीरो कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। तो इसके मूल है ना बराबर एवं विपरीत, इसके मूल हैं, तो अगर के का मान निकालना है तो बस हमें इसके बराबर जीरो कर देना है, यानी कि लॉग ई के -1 = 0, तो लॉग ई के = 1। अब यहाँ मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये एक इधर आएगा, ई की पावर 1 = k, यानी कि k बराबर आपका ई निकल के आया। ध्यान रखना कभी भी बोले कि इसके मूल बराबर एवं विपरीत हैं तो, और वैल्यू पूछे इसकी बताओ, तो जो बीच वाला अवयव है x के गुणांक जो है उसे बराबर जीरो कर दो, ठीक है, आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो k बराबर ई जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में रखे गए सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट थे, ठीक है। तो आप अगर आप वीडियो को एंड तक देखने आए हो तो बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है। मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।